जी, सो वी विल स्टार्ट टुडे विद सर सैयद अहमद खान। ठीक है, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड जो हमने क्वेश्चन किया था उसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी बात करते हुए आज का हम लेक्चर लेंगे। वी स्टडीड, वी ट्राइड टू एनालाइज के हाउ द ब्रिटिश मिसट्रीटेड द मुस्लिम्स पर्टिकुलरली एंड द इंडियंस जनरली। ठीक है ना, तो मुसलमानों को बुरे तरीके से ट्रीट किया गया, तो उस हार्श ट्रीटमेंट से मुसलमानों को बचाने के लिए एक पर्सनालिटी ने बहुत काम किया, एंड हिज नेम इज सर सैयद अहमद खान। सो दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड सर सैयद। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विल स्टार्ट विद द बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद खान। ठीक है, कि ये कौन थे, कहाँ पैदा हुए। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को वो ये आ सकता है, हु वॉज सर सैयद अहमद खान। ठीक है, द क्वेश्चन कैन बी हु वॉज सैयद अहमद खान। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के अंदर आ सकता है। ठीक है, सो आई विल गिव यू द बैकग्राउंड। ठीक है, कि ये कौन थे, इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। सबसे पहले थोड़ी सी बातें जो बच्चों को यूजुअली बच्चे कोट नहीं कर सकते, नहीं करते। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ हिज बर्थ। ही वॉज बॉर्न इन 1817 एंड ही डाइड इन 1898। ठीक है, ये इनकी जो है ना वो बर्थ एंड डेथ डेट्स है। ही वॉज बॉर्न इन डेली। ठीक है, कहाँ पर पैदा हुए थे, दिल्ली के अंदर पैदा हुए थे। ठीक है, ही न्यू अरबिक एंड पर्शियन वेरी वेल। ठीक है, न्यू अरबिक एंड पर्शियन वेरी वेल। ठीक है, अच्छा इनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। ही केम फ्रॉम अ नोबल फैमिली। ठीक है, और सर सैयद अहमद खान के जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने एज वजीर्स मुगल्स के कोर्ट में सर्व किया था। ठीक है, दे वर लाइक असिस्टेंट्स टू द मुगल एम्परर्स। हु वर लाइक असिस्टेंट्स टू द मुगल एम्परर्स, द एंसेस्टर्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अच्छा 1846 के अंदर सर सैयद अहमद खान वॉज अपॉइंटेड एज द जज। ठीक है, जज इन दिल्ली, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, उन हमें पता है कि ही वॉज नोन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो थे, हु वॉज द लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर टू, ही एक्चुअली गेव हिम अ टाइटल। ठीक है, हमें पता है सैयद अहमद खान के दो टाइटल, एक तो हमें पता होता है मशहूर है सर का टाइटल, इट वॉज गिवन बाय होम, इट वॉज गिवन बाय द ब्रिटिश। ठीक है, अच्छा दूसरा जो टाइटल मिला था वो सर सैयद अहमद खान को वो मिला था आरिफ़े जंग। ठीक है, आरिफ़े जंग। ठीक है, एंड दिस वॉज अवॉर्डेड बाय होम, बाय बहादुर शाह जफर टू। बहादुर शाह जफर टू ने इन्हें ये टाइटल दिया था। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब अगली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि सर सैयद अहमद खान के काम क्या थे। बट उससे पहले, चूंकि काम को हमें कॉन्टेक्स्चुलाइज करना पड़ता है, आप सपोज करें मैं आपको बोलूं कि सर अली जान पढ़ाते हैं, तो आपके जहन में एक सवाल जरूर आएगा कि कि सर आप पढ़ाते तो हैं बट आप क्यों पढ़ाते हैं, राइट? तो सर सैयद अहमद खान ने भी जो काम किए, इफ यू गाइज रिमेम्बर आई टॉट यू इन चैप्टर नंबर 1 कि जो भी काम सर सैयद ने किए या जो भी काम किसी और पर्सनालिटी, कंसिडर शाह वली उल्ला, सैयद अहमद शहीद बरेलवी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनके पीछे कुछ वजूहात थी, कुछ बिलीफ्स थे उनके। ठीक है, तो वी आर गोना स्टडी द नेक्स्ट थिंग जो कि हमें पढ़नी है वो ये है, सर सैयद अहमद खान के बिलीव्स क्या थे। ठीक है, सर सैयद अहमद खान के बिलीव्स क्या थे, व्हाट वर हिज बिलीव्स जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने सारे काम किए। ठीक है, पहला बिलीव सर सैयद अहमद खान का वो ये था कि मुसलमानों को एज सेकेंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, पहला बिलीव क्या था, मुस्लिम्स वर ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन, ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन। अब जरा इसका मतलब समझें, इसका मतलब क्या होता है।
व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सेकंड क्लास सिटीजंस? देखो, सेकंड क्लास सिटीजंस का मतलब ये है, सर सैयद अहमद खान ने ये बोला कि मुसलमानों को डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट स्फेयर्स के अंदर मार्जिनलाइज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। सर, आसान जबान में इसका मतलब हो गया साइडलाइन किया जा रहा है, ठीक है, कटाया जा रहा है, आप लोगों के वर्ड्स यूज करते हुए, ठीक है। मुसलमानों को जो है वो ब्रिटिश एंड हिंदूज साइडलाइन कर रहे थे, ठीक है। सो मुस्लिम्स वर गेटिंग पॉलिटिकली सोशली साइडलाइन, दे वर गेटिंग पॉलिटिकली एंड सोशली मार्जिनलाइज्ड, दे वर बीइंग उनके उनको डिसरिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता था, उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था। ऐसा कौन मानता था? ऐसा सर सैयद मानते थे, ठीक है। सेकंड बिलीव सर सैयद अहमद खान का ये था कि मुसलमानों को ये चाहिए कि वो ब्रिटिश को अपने रूलर्स के तौर पर एक्सेप्ट करें, ठीक है। सर सैयद अहमद खान बिलीव दैट मुस्लिम्स शुड रिगार्ड ब्रिटिश एज देयर रूलर्स एंड नॉट ओनली इन्वेडर्स, ठीक हो गई बात। सर सैयद अहमद खान का ये मानना था कि मुसलमानों को अंग्रेजों को अपना रूलर मानना चाहिए, ठीक है, अपना रूलर मानना चाहिए, ना सिर्फ ये मानना चाहिए कि दे आर ओनली इन्वेडर्स, ठीक है। दिस इज व्हाट सर सैयद अहमद खान बिलीव्ड, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अनदर बिलीफ ऑफ सर सैयद अहमद खान वॉज दैट कि जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश वॉज एन अनरियल आइडिया, ठीक है। जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश वॉज नॉट अ रियलिस्टिक आइडिया, ठीक है। सर सैयद अहमद खान का मानना ये था कि ब्रिटिश इतने पावरफुल हैं कि इनके खिलाफ जिहाद, इनके खिलाफ लड़ाई कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये बात, ये जुमला, ये सर सैयद अहमद खान का बिलीफ कौन सुन के बहुत ज्यादा गुस्से हो जाएगा? हु विच पर्सनैलिटी जो कि अब तक हमने स्टडी की है, कौन सबसे ज्यादा इस पर गुस्सा हो जाएगा? बताएं आप लोग ये सुन के। ऑफ कोर्स सैयद अहमद शहीद बरेलवी ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी का एजेंडा क्या था? जिहाद इज द ओनली सोल्यूशन फॉर मुस्लिम प्रॉब्लम। ऑल राइट, नेक्स्ट। इसी तरीके से सर सैयद अहमद खान का एक और बिलीफ ये था कि मुस्लिम शुड टेक एडवांटेज ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन, मुस्लिम शुड टेक वेस्टर्न एजुकेशन। यू कैन राइट वेस्टर्न, यू कैन ऑल्सो राइट इंग्लिश एजुकेशन। ये सर सैयद अहमद खान का बिलीफ था कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अंग्रेजों के तालीमी निजाम से फायदा उठाएं और इंग्लिश एजुकेशन हासिल करें, ठीक है। द ऑल ऑफ दीज वर हिज बिलीव्स, बट परहैप्स द मोस्ट फेमस बिलीफ फॉर विच सर सैयद अहमद खान इज नोन इज कॉल्ड टू नेशन थ्योरी, ठीक है। सर सैयद अहमद खान जिस वजह से जाने जाते हैं, परहैप्स दिस इज द बिलीफ विच इज मोस्ट फेमस, राइट, द फेमस टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी में क्या था? आसान जबान में अगर आप इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे, सर सैयद अहमद खान बिलीव दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस, ठीक है। मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू डिफरेंट नेशंस, ठीक हो गई बात। ये सर सैयद अहमद खान के बिलीव्स थे, और टू डिफरेंट नेशंस। दीज वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट बिलीव्स ऑफ सर सैयद अहमद खान जिन्होंने सर सैयद अहमद खान की जिंदगी पर एक गहरा असर छोड़ा, और सर सैयद अहमद खान ने फिर इन बिलीव्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो काम किए, ठीक है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड बायोग्राफी एंड बिलीव्स। अब हम आते हैं सर सैयद अहमद खान के कामों के ऊपर, ठीक है, सर सैयद अहमद खान के वर्क्स। चले, अब वर्क्स पर जाने से पहले
मैं ब्रॉडर हेडिंग्स यहाँ लिखूंगा और फिर उनकी डिटेल्स नीचे लिखता जाऊंगा। ठीक हो गई बात। देखिए, सबसे पहला जो सर सैयद अहमद खान के एफर्ट्स थे, वो सर सैयद अहमद खान ने लगाए टू इम्प्रूव एंग्लो मुस्लिम रिलेशंस और ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशंस। ठीक है, एंग्लो मुस्लिम रिलेशंस। नाउ अच्छा देखें, सर सैयद अहमद खान का सबसे पहला जो काम था वो ये था, सर सैयद अहमद खान को इम्प्रूव करने थे एंग्लो मुस्लिम रिलेशंस। बेटा, हर इस काम के ऊपर हमारे यहाँ से दो क्वेश्चंस उठते हैं। सर सैयद अहमद खान क्यों इम्प्रूव कराना चाहते थे? व्हाई ही वांटेड टू इम्प्रूव एंग्लो मुस्लिम रिलेशंस? नंबर टू, हाउ डिड ही यू नो व्हाट वर्क्स डिड ही डू डिड ही अंडरटेक टू इम्प्रूव एंग्लो मुस्लिम रिलेशंस? देखो, मैंने आप लोगों को काम के बारे में, सर सैयद अहमद खान के काम के बारे में अब तक सिर्फ इतनी सी बात समझाई है कि सर सैयद अहमद खान का एक काम ये था, एक इम्पॉर्टेंट काम ये था कि वो ब्रिटिश और मुसलमानों के ताल्लुकात अच्छे करना चाहते थे। ठीक है, क्यों करना चाहते थे और कैसे किया, ये हम थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। इसी तरीके से दूसरा जो सर सैयद अहमद खान का काम था वो ये था, सर सैयद वांटेड टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। सर सैयद अहमद खान का जो दूसरा काम था वो क्या था? सर सैयद अहमद खान का दूसरा काम ये था, वो वेस्टर्न एजुकेशन की ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते थे। ठीक है, सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों के तालीमी निज़ाम को प्रमोट करना चाहते थे। क्यों प्रमोट करना चाहते थे और कैसे उन्होंने प्रमोट किया, दिस इज समथिंग वी विल स्टडी इन अ व्हाइल। ठीक है अच्छा, इसी तरीके से एक और काम सर सैयद अहमद खान का, वो वी कैन राइट, हम उसको कह सकते हैं कि दोज वर सोशल एंड पॉलिटिकल एफर्ट्स। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने सामाजिक और सियासी क्या क्या कोशिशें की मुसलमानों की बेहतरी के लिए? सर सैयद अहमद खान ने सामाजिक दैट इज सोशल एंड सियासी दैट इज पॉलिटिकल मुसलमानों के लिए क्या सोशल और पॉलिटिकल एफर्ट्स डाले? यहाँ तक तो आपकी बुक्स भी थोड़ी बहुत आपको हिंट्स दे देती हैं, ठीक है, और आप पहुंच भी जाते हैं। बट अगला जो काम है वो ऐसा काम है कि वो सर सैयद अहमद खान का अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, एंड दैट इज द रिलीजियस अचीवमेंट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की रिलीजियस अचीवमेंट्स, ठीक है, सर सैयद अहमद खान की रिलीजियस एफर्ट्स या रिलीजियस अचीवमेंट्स क्या थी? सो वी विल स्टार्ट आर डिस्कशन। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे अपनी बात किससे, हम अपनी बात डिस्कस करेंगे सबसे पहले वाले पार्ट ए से। ठीक है, कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों और अंग्रेजों के रिलेशंस इम्प्रूव करने की कोशिश क्यों की और कैसे उन्होंने इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स डाले। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोना स्टडी इज दैट हेडिंग ए में वन, के व्हाई सर सैयद वांटेड टू, अब मैं पूरा कॉपी नहीं कर रहा, ठीक है, आप लोग यहाँ से समझ जाएं ए के वन से। ठीक है, के वाई सर सैयद वांटेड टू इम्प्रूव एंग्लो मुस्लिम रिलेशंस, क्यों सर सैयद चाहते थे कि मुसलमानों और अंग्रेजों के ताल्लुकात बेहतर हों? देखो बेटा, उसके पीछे एक पहला ऑब्वियस रीजन ये है कि आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अंग्रेजों ने सारा जंग का इल्जाम किसके ऊपर डाल दिया था? मुसलमानों के ऊपर डाल दिया था। ठीक है, ब्रिटिश पुट ऑल ब्लेम ऑन मुस्लिम्स। ठीक है, ये हमने बात कल भी डिस्कस की थी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, इंडियन म्यूटिनी के बाद ब्रिटिश ने सारा इल्जाम मुसलमानों के ऊपर डाल दिया और मुसलमानों को ब्लेम कर कर के आपकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है मिस ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया मुसलमानों का। ठीक है, तो इस वजह से सर सैयद अहमद खान ने ये जरूरी समझा कि मैं दोनों कम्युनिटीज के आपस में रिलेशंस बेटर करूं। ठीक है, सो फर्स्ट रीजन व्हाई सर सैयद वांटेड टू इम्प्रूव रिलेशंस। सेकंड रीजन, बेटा सर सैयद अहमद खान
रिलेशंस इस वजह से भी इम्प्रूव कराना चाहते थे ताकि मुस्लिम्स सो दैट मुस्लिम्स टेक एडवांटेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। मैं आपको इसकी एक आसान सी पहले एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? आप लोग कंसिडर करें, आपका एक 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 जो है ना वो दोस्त है, ठीक है? आपके दोस्त के पास बेटा गाड़ी है, ठीक है? आप एग्जाम हॉल तक जाना चाहते हैं। अब जब जब तक आपकी दोस्त से दोस्ती है, आप उसको बड़े इजीली आप उसके साथ जाएंगे, आप उसकी कार का एडवांटेज लेंगे, ठीक है? इफ यू हैव अ फ्रेंड हु हैज अ कार एंड योर टर्म्स आर रियली गुड विथ हिम और हर, आप उसकी कार का एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है तो क्या आप उसकी कार का एडवांटेज ले सकोगे? आप नहीं ले सकोगे, सही है? सो सिमिलरली सर सैयद अहमद खान ने सोचा कि मुसलमान ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से तब तक फायदा नहीं उठाएंगे जब तक इनके आपस में रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे। एंड सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुसलमान ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से इंग्लिश एजुकेशन का फायदा उठाएं। इस वजह से सर सैयद अहमद खान ने ये कोशिश की कि दोनों कम्युनिटीज में रिलेशंस बेटर हो जाएं ताकि मुसलमान अंग्रेजों के तालीमी निजाम से फायदा उठा सकें, ठीक है? इसी तरीके से थर्ड रीजन ये था कि मुसलमान जो है उन लोगों को हमेशा मैंने आपको ये चीज ऊपर बताई कि मार्जिनलाइज किया जा रहा था। जब तक रिलेशंस मुसलमानों के और इंग्लिश पीपल ब्रिटिश के बेहतर नहीं होते, मुसलमानों को कभी भी हिंदूज के इक्वल सोशियो पॉलिटिकल पोजीशन हासिल नहीं होती। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सफरिंग बनी रहती अगर मुसलमानों के और अंग्रेजों के ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, ठीक है? सो सर सैयद वांटेड मुस्लिम्स टू बी सीन एज सोशल इक्वल्स ऑफ हिंदूज। अच्छा, अब मैं आप लोगों को इसका आसान जबान में मतलब बताऊं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, देखो एक एक पेरेंट है, ठीक है? मिसाल के तौर पे वो अपने उस एक पेरेंट है, ठीक है? उनके एक बेटा एक बेटी है, वो दोनों बेटा और बेटी को इक्वली ट्रीट करते हैं, ठीक है? अंग्रेज जो है ना, आप समझ लो वो पेरेंट है, ठीक है? वो हिंदूज को और मुसलमानों को लेकिन इक्वली ट्रीट नहीं करते थे, सही है? हिंदूज को ज्यादा फेवर देते थे, मुसलमानों को एज अ इंफीरियर क्लास मानते थे, ठीक है? अब सर सैयद ने देखा इसको, इस सिचुएशन से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं ब्रिटिश के और मुसलमानों के रिलेशंस अच्छे करूं। हेंस ही वांटेड टू इंप्रूव द रिलेशंस। तो ये वाय वाला जो सवाल है, वाय सर सैयद वांटेड टू इंप्रूव ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशंस या एंग्लो मुस्लिम रिलेशंस, दिस विल कम फॉर 7 मार्क्स, ठीक हो गई बात? अब सवाल ये पैदा होता है कि सर उनको रिलेशंस इंप्रूव करने तो थे, हमने ये भी पढ़ लिया कि क्यों करने थे, अब उन्होंने एफर्ट्स क्या किए, ठीक है? रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स या वर्क्स क्या किए सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है? अब हम वो पढ़ने वाले हैं कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों और ब्रिटिश के ताल्लुकात को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कारनामे किए, ठीक है? देखो सबसे पहला काम सर सैयद अहमद खान का जो है वो कहलाता है लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, ठीक है? ये सर सैयद अहमद खान का पहला काम है, क्या है? लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। अब ये क्या था, किस तरीके से था, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया जो था ना बेटा, ये सर सैयद अहमद खान ने एक पैम्फलेट लिखा था, ठीक है? कब लिखा था? 1860, रिटन बाय सर सैयद अहमद खान, ठीक है? इट वॉज अ पैम्फलेट, ठीक है? इसके अंदर सर सैयद एज द नेम सजेस्ट, नाम से जाहिर है लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, नाम से ही आपको जाहिर है कि सर सैयद अहमद खान ने इस पैम्फलेट के अंदर मुसलमानों को डिफेंड किया। बेटा ब्रिटिश ने, अगर आप लोग ऊपर जाएं आपको याद आए,
ब्रिटिश ने सारा इल्जाम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का किसके ऊपर लगा दिया था? सारा इल्जाम मुसलमानों के ऊपर लगा दिया था, ठीक है सर सैयद अहमद खान ने 1860 के अंदर एक पैम्फलेट लिखा, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। उसके अंदर सर सैयद अहमद खान ने ये बताया ब्रिटिश को कि देर आर मैनी लॉयल मुस्लिम्स जिन्होंने आपको सर्विसेज दी हैं। तो अगर आप ये कहो कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के सोल यू नो होल एंड सोल सारा मुसलमानों के ऊपर अगर आप इल्जाम लगाओ तो वो गलत है, ठीक है, दैट इज नॉट जस्टिफाइड, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है। सो सर सैयद ने इस पैम्फलेट के अंदर क्या हाईलाइट किया? उन मुसलमानों की सर्विसेज को हाईलाइट किया जिन्होंने लॉयली ब्रिटिश को अपनी सर्विसेज पेश की थी। एक और चीज की सर सैयद अहमद खान ने इस पैम्फलेट के अंदर, और वो ये किया कि सर सैयद अहमद खान ने ये समझाया ब्रिटिश को कि जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, उसका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि बेटा अंग्रेज जो थे ब्रिटिश, वो ये समझते थे, आपके जहनों में ये क्वेश्चन में भी आया हो कि अंग्रेजों ने सारा इल्जाम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मुसलमानों के ऊपर क्यों डाल दिया? तो उसके पीछे एक ऑब्वियस रीजन ये भी है कि मुसलमानों मुसलमान यानी इस्लाम के अंदर जिहाद का एक पूरा एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने मिस जज किया मुसलमानों को। दे थॉट कि जिहाद इज एक्चुअली द रीजन व्हाई मुस्लिम्स यू नो पुट सो मच एफर्ट्स इन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो सर सैयद अहमद खान ने इस पैम्फलेट के अंदर ये भी चीज हाईलाइट की। क्या चीज हाईलाइट की? कि म्यूटिनी वाज नॉट अ मुस्लिम जिहाद, कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो मुसलमानों का अरेंज किया हुआ जिहाद नहीं था, ठीक है, रादर उसमें तो हिंदूज भी यू नो इन्वॉल्व थे। तो ये सर सैयद अहमद खान का पहला काम था, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, ठीक हो गई बात। नाउ अब आ जाते हैं अगले काम के ऊपर सर सैयद अहमद खान के। द नेक्स्ट वर्क दैट ही डिड वाज दैट इट्स कॉल्ड As, बल्कि इसको मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ठीक है, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ठीक हो गई। अच्छा, इसको हम कहते हैं अजबाबे बगावते अल हिंद, ठीक है। ये एक छोटी सी बुकलेट थी, ये क्या था, ये एक छोटी सी बुकलेट थी जो सर सैयद अहमद खान ने पब्लिश की थी, ठीक है, अजबाबे बगावते अल हिंद। इट वॉज अ स्मॉल बुकलेट दैट वॉज पब्लिश बाय सर सैयद अहमद खान। उर्दू जबान में ये बुकलेट थी, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया लिखने से एक साल पहले इसको सर सैयद ने पब्लिश किया था। इट वॉज पब्लिश इन 1859, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने इस बुकलेट के अंदर, जैसा कि आपको नाम से आइडिया हो रहा होगा, सर सैयद अहमद खान ने पूरी लिस्ट बना के दी। याद है हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो नहीं लिस्ट बनाई थी, रीजंस पढ़े थे, वही लिस्ट सर सैयद अहमद खान ने बना के दी। वी स्टडीड डिफरेंट रीजंस फॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लैक ऑफ चांस इन सिविल सर्विस, फोर्सफुल कन्वर्जन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ग्रीस कार्ट्रिजेस, ये तमाम लिस्ट, ये तमाम रीजंस, जेन्युइन रीजंस जिन्होंने इंडियंस को हर्ट किया था, उन तमाम जेन्युइन रीजंस की एक लिस्ट सर सैयद अहमद खान ने एक बुकलेट की फॉर्म में पब्लिश की, और उसके अंदर मेन रीजंस हाईलाइट करके ब्रिटिश को बताया कि दीज आर द रीजंस जिस वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। तो जब ब्रिटिश ने इस बुकलेट को पढ़ा, सो पढ़ा इन सेंस कि दे केम टू नो, ठीक है, कि भाई सर सैयद अहमद खान ने एक इम्पॉर्टेंट चीज हाईलाइट की है। सो द इंग्लिश पीपल रियलाइज्ड कि हाँ भाई, सर सैयद अहमद खान की बात में कुछ ना कुछ दम तो है। हमने थोड़ा थोड़ा, मतलब उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि वी हैव डन एटलीस्ट समथिंग रॉन्ग विद द इंडियंस, और इसी वजह से जो इंडियंस हैं उन्होंने हमारे खिलाफ वॉर किए। नाउ थर्ड एफर्ट सर सैयद अहमद खान का, द नाजरत इशू, ठीक है। देखो बेटा, किसी ने अगर गालिब ड्रामा देखा हो, नसीरुद्दीन शाह का है,
उसके अंदर जो इंडियंस हैं वो अंग्रेजों को ना कई नाम डिफरेंट नेम से पुकारते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, जब जब आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है, आप जैसे कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, उसके ऊपर आपको गुस्सा आता है, आप बोलते हो ना, क्या हमारा प्रिंसिपल गंजा बिल्कुल खड़ूस आदमी है, इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा जो इंडियंस थे ना, वो लोग इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश को अलग अलग नामों से पुकारते थे। कोई फिरंगी कहता था उन्हें, कोई जो है ना वो। तो इसी तरीके से एक इशू जो डेवलप हुआ वो हुआ नादरत इशू। ये इशू क्या था बेटा, ब्रिटिश को ये लगता था इट वॉज एन अब्यूसिव वर्ड, इट वॉज एन अब्यूसिव वर्ड, ठीक है। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने बोला कि अंग्रेजों को ये समझाया कि ये जो नादरत वर्ड है इट कम्स फ्रॉम अरबिक रूट। सर सैयद अहमद खान ने क्या बोला कि आप इसको इंसल्ट के तौर पर नहीं देखें, इंस्टेड इट इट कम्स फ्रॉम एन अरबिक रूट, ठीक है, नासिर या नसीर, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग वही सेम अंसार वाला होता है, मीनिंग हेल्पर्स। समझ रहे हो बात को? सर सैयद अहमद खान ने, अब तुम लोगों को दोबारा से मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं, हम ये पढ़ रहे हैं सर सैयद अहमद खान के पहला काम, कि सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो मुस्लिम रिलेशंस इम्प्रूव किए। हमने ये देखा कि इम्प्रूव किए क्यों, और अब हम ये देख रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो एक काम जो सर सैयद अहमद खान ने वो किया वो ये किया, सर सैयद ने ब्रिटिश को बताया कि ये जो नादरत, आप समझ रहे हो ना, ये गाली नहीं है, इट इज नॉट अ बैड वर्ड, इट इज नॉट एन अब्यूसिव वर्ड, इसका तो मतलब होता है हेल्पर। सो सो सर सैयद ने ब्रिटिश को बोला, अगर आपको मुसलमान नादरत कह रहे हैं, इसका मतलब ये आपको अपना हेल्पर्स कह रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छा कत्था चूना सर सैयद अहमद खान ने मारा, किसको, अंग्रेजों को। इसी तरीके से सर सैयद अहमद खान का एक और काम जिससे इम्प्रूव वे रिलेशंस मुसलमानों और ब्रिटिश के, दैट वॉज तबीयुन कलाम। ओप्स सॉरी, तबीयुन कलाम, ठीक है। अब ये क्या था, ठीक है, तबीयुन कलाम क्या था, ठीक है। देखो तबीयुन कलाम के अंदर सर सैयद अहमद खान ने सिमिलैरिटीज हाईलाइट की बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तबीयुन कलाम के अंदर सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, सर सैयद अहमद खान ने हाईलाइटेड सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हाईलाइटेड सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। देखो दो कम्युनिटीज आपस में क्लोज कब आती हैं, जब उनके अंदर आप पॉइंट्स ऑफ कॉमनैलिटीज बताओ या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बताओ। आप लोग कहेंगे कि जब आप उन्हें पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस बताएंगे, जब आप उन्हें कॉमन पॉइंट्स बताएंगे, तो सर सैयद अहमद खान ने तबीयुन कलाम लिखा जिसके अंदर सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी के दरमियान की सिमिलैरिटीज बताई। तो इससे मुसलमानों की नॉलेज भी बढ़ी क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, और ब्रिटिश अंग्रेजों की भी नॉलेज बढ़ी रिलेटेड टू इस्लाम। सो बोथ द कम्युनिटीज गॉट अ चांस टू इम्प्रूव देयर रिलेशंस, ठीक हो गई बात। इसी तरीके से नेवरदलेस एक और काम सर सैयद अहमद खान का, दैट वाज सर सैयद एस्टैब्लिश्ड, सर सैयद ने एक ऐसा इदारा बनाया जिसके अंदर अंग्रेज और मुसलमान आकर बैठकर डायलॉग करते थे, बातें करते थे, ताकि दोनों कम्युनिटीज में कॉपरेशन इंक्रीज हो। सो ही एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक हो गई बात। ये सर सैयद अहमद खान ने बनाई, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने क्या बनाई, सर सैयद अहमद खान ने बनाई ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें अंग्रेज और मुसलमान आते थे, साथ में बैठते थे और ये डिस्कस करते थे कि किस तरीके से आपस में हम कॉपरेशन कर सकते हैं। सो दीज वर द फर्स्ट सेट ऑफ वर्क दैट सर सैयद अहमद खान ने अंडरटेक किया, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ प्लीज आस्क।
नहीं? ऑल राइट, परफेक्ट, चले। अब हम आते हैं पार्ट बी के ऊपर, ठीक है। पार्ट बी, पार्ट बी इन अ सेंस के सर सैयद अहमद खान के, सर सैयद अहमद खान के क्या कारनामे थे जो इन्होंने वेस्टर्न ग्रोथ एजुकेशन को जो है ना वो प्रमोट करने के लिए किए। हम अगेन वही दो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। पहली चीज हम ये पढ़ेंगे कि सर सैयद अहमद खान को रिलेशंस, सॉरी, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट क्यों करना था। व्हाई सर सैयद वांटेड टू एनकरेज द वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। हम पहली ये चीज पढ़ेंगे, लेट्स डिस्कस दैट, ठीक है, कि सर सैयद अहमद खान वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट क्यों करना चाहते थे। देखो, पहला रीजन, सो दिस इज लाइक व्हाई, सही है। अगेन इट कैन कम फॉर 7 मार्क्स। ये एफर्ट्स और वर्क्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं बेटा? ये अगर 10 या 14 मार्क का क्वेश्चन आ जाए सर सैयद के ऊपर, उसमें इस्तेमाल होंगे, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दिस कि सर सैयद अहमद खान वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट क्यों करना चाहते थे, ठीक है। ऑलराइट, देखो, पहली वजह, सर सैयद अहमद खान वेस्टर्न एजुकेशन इस वजह से प्रमोट करना चाहते थे, जैसे ही एजुकेशन प्रमोट होती है बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है कि जैसे ही एजुकेशन बढ़ती है उससे क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपके अंदर दूसरी कम्युनिटीज को समझने की सलाहियत बढ़ती है, ठीक है। तो पहला रीजन क्या था, सर सैयद अहमद खान क्यों चाहते थे मुसलमान वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि जैसे ही एजुकेटेड जो बंदा होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो जैसे ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इससे क्या होगा, रिलेशंस इंप्रूव होंगे। तो पहला रीजन ये था, ठीक है। अगर एक पढ़ा लिखा शख्स होगा तो वो बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार होगा, ठीक है। ही विल बी रेडी टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स, ठीक है। सो सिमिलरली सर सैयद ने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान और अंग्रेजों के रिलेशंस बेटर हों, और वो रिलेशंस कैसे बेटर होते, अगर मुसलमान तालीम हासिल करेंगे। सो दिस वॉज द फर्स्ट रीजन, सर सैयद तालीम की प्रमोशन इस वजह से करना चाहते थे। नंबर टू, सर सैयद अहमद खान ने ये देखा कि मुसलमान जो हैं वो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है। मुसलमानों के पास जॉब्स नहीं है, तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए मुसलमानों को एनकरेज किया टू गेट गुड एजुकेशन। सो सेकंड रीजन क्या था, क्यों सर सैयद वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे, सो दैट मुस्लिम्स, ताकि मुसलमान सोशली अपलिफ्ट हो, सो दैट मुस्लिम्स कुड अपलिफ्ट सोशली, ठीक हो गई बात। ये दो रीजंस हो गए हमारे। थर्ड रीजन, ठीक है, अब हम आ रहे हैं थर्ड रीजन के ऊपर। थर्ड रीजन, सर सैयद अहमद खान इस वजह से भी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे क्योंकि सर सैयद अहमद खान को इस बात का पता था कि इस्लाम के अंदर तालीम हासिल करने की अहमियत बहुत ज्यादा है। इस्लाम लेज ग्रेट एम्फेसिस ऑन गुड एजुकेशन। तो इस वजह से सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुसलमान तालीम हासिल करें। इस्लाम, कुरान के अंदर, इनफैक्ट द कुरान लेज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन अटेनिंग नॉलेज, समझ रहे हो बात को। तो इस वजह से सर सैयद ने देखा कि हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा रिलीजन हमें ये सिखाता है कि तालीम हासिल करो। तो इस वजह से सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि जो तालीम है, वेस्टर्न एजुकेशन है, उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है। इसी तरीके से चौथा रीजन, सर सैयद अहमद खान इस वजह से भी तालीम प्रमोट कर रहे थे ताकि मुसलमान हिंदूस के बराबर आके खड़े हो सकें, ठीक है। सो दैट मुस्लिम्स, ठीक है, डू नॉट फील इंफीरियर टू द
हिंदूज, ताकि मुसलमानों को एहसासे कमतरी ना हो, ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि हिंदूज जो थे वो तो वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करते थे, वो तो दिन ब दिन तरक्की किए जा रहे थे, लेकिन मुसलमान तो गिरते जा रहे थे दिन ब दिन। तो सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुसलमानों के अंदर प्राइड रिस्टोर हो। सो दिस इज सो दैट्स वाई सर सैयद ने ये बोला कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस वाई सर सैयद वॉन्टेड मुस्लिम्स टू यू नो गेट गुड एजुकेशन। एग्जामिनर साहब इसको दूसरे अल्फाजों में आपसे ये सवाल भी करते हैं, ठीक है। डिफरेंट वर्ड्स आर वाई, इस 7 मार्क्स के अंदर, वाई सर सैयद फाउंडेड फाउंडेड द अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट क्यों निकाली? ये हमें अब हम थोड़ी देर में जब हम वर्ड्स डिस्कस करते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ समझ बखूबी आ जाती है कि अलीगढ़ मूवमेंट जो है ना वो इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान के एजुकेशनल एफर्ट्स या एजुकेशनल वर्ड्स को अलीगढ़ मूवमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने वो स्कूल बनाई, फिर कॉलेज एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ ली कि सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन की ग्रोथ हो, क्यों चाहते थे, वाई वाली चीज पढ़ ली। अब हम जो पढ़ने लगे वो ये पढ़ेंगे कि सर सैयद अहमद खान ने क्या एफर्ट्स किए वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। उस पर जाने से पहले आई वॉन्ट कि आप लोग प्लीज रिज्वाइन कर लें।